100 रुपए की 10 फोटो अच्छी फोटो कर रहे हैं, जैसे पीडीएफ मोबाइल में देते चले। देखो लिफ्ट वगैरह सब लगे, चलो चलो। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि थंबनेल पे लिखा है हम लोग कहाँ आए हैं, तो हस्बैंड जी बताइए हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। हाँ। जो कि राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट सीकर पड़ता है उसमें, और रेलवे स्टेशन है रिंगस जंक्शन। हाँ। तो इटावा से रिंगस ट्रेन थी, उस ट्रेन से ही आए थे डायरेक्ट, और यहाँ पे अभी नहा धो के तैयार हो गए। रिंगस स्टेशन पे हम लोग उतरे हैं, डायरेक्ट ट्रेन थी इटावा से यहाँ तक के लिए। तो वो अगर जिसको भी देखना है, फर्स्ट मैंने वीडियो डाला है कि हम लोग आधी रात में कहाँ गए हैं, इसके नीचे ही वो वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना हम लोग कैसे आए, पूरी रास्ता, सारे स्टेशन, क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या परेशानी रहीं, क्या सुविधाएं रहीं, वो सब कुछ है उसमें। तो आप लोग डिटेल से देख सकते हैं जिसको आना हो। उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। तो अभी हमने जो रूम लिया जहाँ पे हम लोग रुके हैं, वो धर्मशाला का नाम क्या है, वृंदावन नाम वो है, मतलब धर्मशाला है, ये ट्रस्ट टाइप की है। हाँ। लेकिन अच्छी सुविधा है इसमें। इसमें रूम ये है, रूम का मेन गेट वो है, और यहाँ पे ये बेड दिया है, चार लोगों की है इसमें, पर हम दो ही लोग हैं, और विथ एसी भी है इसमें, वॉशरूम, बाथरूम, ड्रेसिंग भी है यहाँ रेडी होने के लिए, जहाँ मैं अभी रेडी हुई हूँ। आने के बाद बहुत थकान हो गई थी, तो यहाँ पे मिरर भी दिया है, स्टूल भी दिया है बैठने के लिए, डस्टबिन भी दिया, अलमारी भी दी है मेकअप का सामान रखने के लिए। बाकी वॉशरूम काफ़ी अच्छी है, और ये इंग्लिश वाली टॉयलेट है, तो ये कम्बाइंड है बाथरूम। तो अभी हस्बैंड भी नहा चुके हैं, रेडी हो गए हैं, हम भी नहा धो चुके हैं, बहुत थक गए थे गाइस। अभी इस वीडियो में देख के आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग इतने थके हैं, पर बहुत थके थे। रूम अच्छा मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, ट्रस्टेड है, यहाँ पे फैमिली सभी लोग रुके हैं, ऐसे लोग रुके हैं जहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई भी ऐसा वैसा नहीं कि आप मतलब फील करें कुछ भी, तो काफ़ी अच्छा है। तो बस चलिए इस वीडियो को अभी आप पूरा देखना, सीधे हम लोग मिलते हैं मंदिर में, है ना। चलो मंदिर में। हाँ, और मेहंदी भी मैंने यहीं पे लगाई है रूम में, देखो कैसी लग रही है बताना। यहीं सज गई आके। ये देखो अभी नेल पेंट रह गया, वो लगाऊंगी मैं, तो चले। और सारे कपड़े उन्होंने धुल के वहाँ टांग दिए, सूख जाएंगे ये, तो चले रेडी। हाँ, हस्बैंड जी का ड्रेसअप कैसा बताना। ये टी शर्ट है जो ये नहीं पहनते, इसमें की एक ब्लैक है, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की है, काफी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको कमेंट करके बताना कि भैया जी, जीजा जी, जिसके भी जो है ये पहना करें घर पे, इन्होंने आज यहाँ पहनी। मेरा दिखाना जरा आउटफिट, पकड़ो, हमने पहना सूट येलो, और इसकी ग्रीन सलवार है, इसमें JMFB है भैया से, और इसकी ये चुन्नी है। तो सूट में कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि जगह थोड़ी चलने वाली, पता नहीं कैसी है, लेकिन सूट में कम्फर्टेबल है। चले चलते हैं। तो अभी हम लोग रूम से निकला है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दर्शन करने आपके लिए निकल चुके हैं, लिफ्ट वगैरह लगी, अभी नीचे पहुँचे, और मार्केट भी आपको दिखाएंगे कितना रस है, नीचे भीड़ कितनी है वो भी दिखाएंगे। चलो चलो, देखो लिफ्ट वगैरह सब लगी, चलो चलो। ये घुस गए, वृंदावन धाम लिखा है इसमें भी, देखना इधर इधर देख लो एक बार भैया, इतने भाव खा रहे आज तो तुम ले। ये नीचे पहुंच गए, आ गए, चलो ठीक है। अच्छा गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए मेन गेट, पीछे रहा, इस पे लिखा है जय श्री श्याम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोटो हो रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। तो जैसे हम लोग ये हैं, और राधे राधे लिख लिया, बाकी आप पीछे देख सकते हो, सभी लोग सिर्फ फोटो और ये सब कर रहे, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हस्बैंड जी कैसा लग रहा है,
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आ गई। कलर थोड़ा कम लगाया राधे राधे वाले ने। हाँ, पैसे पूरे ले लिए, कलर कम लगाया, उसमें था नहीं उसके में कलर, लेकिन चलो जो भी है, श्रद्धा है, अच्छा है। और अभी शाम हुई जा रही है इसलिए मैंने जल्दी से क्लिप बना दी, क्योंकि हम लोग शाम को ही निकले थे। तो अभी चले अंदर। हाँ, बस अंदर चलो। हाँ, अब यहाँ पे कैमरा से फोटो भी खींच रही है, जैसे आप खिंचाना चाहो ये देखो भैया खींच रहे हैं कैमरे से। तो ये देखो गेट है, इसमें सभी भगवान की फोटो लगी हुई है, पूरा प्रॉपर बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग पास से बना रहे हैं। अभी हम बैक कैमरे से आपको पूरा दिखा देंगे। इस हम लोगों ने अभी फोटो शूट कराया है। भैया जी हाय कर दो इसमें। ये भैया जी है जो हमारे फोटो शूट कर रहे हैं। 100 रुपए की 10 फोटो अच्छी फोटो कर रहे हैं, जैसे पीडीएफ मोबाइल में देते हैं। तुरंत पीडीएफ मोबाइल, जो कोई भी आए यहाँ करा सकता आराम से। और भैया जी ने झंडा भी अरेंज कर दिया, हमने लिया नहीं था, भैया जी ने दे दिया। तो अच्छे लोग हैं कुल मिला के, यहाँ के लोग अच्छे हैं। खूब सारा फोटोशूट, खूब सारी रील्स, सब कुछ बना लिया। शॉर्ट पे भी एक तो वीडियो बनाई है, तो आप लोग प्लीज देखना पूरी शॉर्ट वाली भी। और मौसम काटू श्याम महाराज ने इतना अच्छा कर दिया, बिल्कुल गर्मी जैसे फ्रेश निकल के आए थे रूम से, बिल्कुल उतना ही फ्रेश और उतना ही फ्रेश ये रोज देख रहे हो। ये रोज है काटू श्याम जी महाराज के लिए, क्योंकि उनको पसंद है शायद ऐसा। वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता है, ना रोज, ना झंडा, ना मोर पंख, ना प्रसाद, बट सब लोग अपनी श्रद्धा से ले लेते, तो हमने भी एक रोज ले लिया और बाकी थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेंगे। तो चलिए अभी हम बस इस वाले गेट से देखो आ गए हैं, यहाँ पे फोटो शूट वगैरह ही होता है बस। बाकी दर्शन करने के लिए भी 1 किलोमीटर है दूर, है ना? हाँ, यहाँ से पैदल जा रहे हैं, पैदल ही जाना है यहाँ से। इधर सब लोग गुलाब के फूल लिए रहते हैं खूब सारे, जिससे जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। और मौसम सच में इतना अच्छा है कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा गर्मी है। हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है। और जिसने हम लोग की राधे राधे लिखा, बहुत कम वाला लिखा, 20 रुपए भी ले लिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब लिखना है पैसे भी लिए, तो अच्छा कलर करना चाहिए था, बहुत हल्का सा किया है। तो बाकी कैमरा वाले बहुत अच्छे भैया यहाँ पे 100 रुपए में 10 फोटो दे रहे हैं ना। 100 रुपए में 10 थी लेकिन फिर 14 खिंच गई। हाँ, 14 उसने दे भी दी पीडीएफ में, तो हम लोग निकाल लेंगे तब आपको दिखाएंगे किसी दिन वीडियो में। तो अभी ऐसे बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। अभी मंदिर के सामने पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी लाइन्स होती है और पूरा राउंड लगाना पड़ता है। बाकी आपके ऊपर ये रोज बहुत अच्छा लग रहा है आज। चले चलो, यहाँ पर हम लोगों ने स्लीपर उतार दी और ये देखिए बैरिकेडिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो स्लीपर पूरे रास्ते हम लोग पहने आए, अभी यहाँ मेन जगह उतारे। चले चलो, अपन जी ले रहे हैं प्रसाद, ले रही शॉप, ये देखो यहाँ पे सारे मेवा ले लो, हर जगह मोर पंख। और वो देखो कितने सारे लोग सब जा रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा है सच्ची में, देखो अच्छा व्यू है एकदम। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, यहाँ पे अरविंद जी भी ले लें, और इधर भी शॉप। पूरे मौसम देखो कितना अच्छा मौसम हो गया एकदम, बिल्कुल गर्मी लगी नहीं रही। हमने मोर पंख भी ले लिए, तो देखो कितनी अच्छा मौसम, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, देखो बहुत ही अच्छा ये मोर पंख रहे। अभी जाएंगे लाइन में, देखो कितनी देर लगती है अंदर पता नहीं मुझे भी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर, देखो कितनी सारी है, और हम लोग सबसे फर्स्ट वाली में घुस गए हैं, बताया जा रहा है यहाँ से सबसे पास में दिखेंगे, पता नहीं बाकी, फर्स्ट टाइम है मेरा भी। और अभी प्रसाद वगैरह ले लिया हम लोगों ने, हमारे पीछे कोई नहीं है, बहुत कम लोग, बाकी उधर देखो कितने सारे, मतलब भीड़ का इतना, हाँ भीड़ का इतना इशू नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। भीड़ कम है ना इसलिए? हाँ नहीं, भीड़ तो बहुत है अंदर, हम लोग जिस लाइन में आए उसमें अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि जिसमें लोग जाते हैं लोग उसी में ही चले जाते हैं, ये रहता है ना, तो इसमें आराम से हम लोग जा रहे हैं। बाकी भीड़ देखो बहुत भीड़ है अंदर, बहुत भीड़ है। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। आगे 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 की ले ले, देखो जय
सके का वीडियो होगी अलाउड तो हम जरूर बनाएंगे। अभी यहाँ तक तो जमा नहीं हुआ है फोन और ना ही कहीं हमने लिखा हुआ देखा है। नहीं अलाउड होगी तो फिर आप लोग आके ही दर्शन करें, आके बाकी मंदिर के दर्शन तो हमने करा ही दिए, तो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक वीडियो बनाएंगे। देखो कितना अच्छा सा पीपल महाराज है ना, पीपल महाराज का पेड़ है, तो यहाँ पे गरी के गोले वगैरह जो भी है वो यहाँ पे चढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता, प्रसाद या मोर पंख या फिर रोज जो भी आप लेकर जा रहे हैं वो कुछ भी नहीं सकता। बाकी भीड़ देखो कितनी सारी है, ये बहुत सारे लोगों को पता है वीडियो बनने। तो अभी इस लाइन में भी भीड़ बहुत सारी हो गई है, अभी हम कैमरा देखते हैं, अभी तो मना नहीं है, जहाँ मना होगा वहाँ पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। और हल्का हल्का पानी भी बरसने लगा है, एकदम दिख रहा होगा, हल्की हल्की फुहार गिर रही है। अच्छा होता है फुहार गिरना, फुहार गिरना तो अच्छा होता है ना, लाल फूल अच्छा लग रहा है, मोर पंख भी अच्छे लग रहा है। मंदिर के दर्शन कर लो, अरे वो लोग वो लोग है ना उनके लिए देखते हैं दर्शन करके निकल के जा रहे हैं। और भजन कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पे, भजन कीर्तन में जयकारे लग रहे हैं बहुत तेज तेज, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट लाइन में आ गए, एक भैया ने हेल्प कर दी थी उनकी वजह से, तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, जल्दी दर्शन हो गए। वो यहाँ पे रहते हैं तो उनको पता था, आइडिया था, तो यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल मतलब मदद कर देते हैं, ऐसा है, अच्छी बात है ये। इधर उधर देख भी रहे हैं हम, पूरा देख के देखने भी आए हैं, वीडियो बना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब हम भी थोड़ा देख लें, अगर होगा तो आपको दिखाएंगे ना। बाकी यही है मंदिर का फ्रंट, देखो मेन गेट आ गया, मेन गेट होगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, 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 देखो दर्शन हो गए ऊपर से श्याम, पूरा मंदिर। चलो हो गए अच्छे से दर्शन। ये देखो यहाँ पे ये पानी बहुत सारा, इसमें घुस के निकलना है। और यहाँ पे एक कुंड है जिसमें लोग नहाते भी हैं, कुछ लोग पानी छिड़क लेते हैं, बताया जाता है कि इसमें नहाने से रोग वगैरह बीमारी थोड़ी बहुत दूर हो जाती है, मान्यता है, सारी दूर हो जाती है, मान्यता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अभी हम लोग भी इसी में जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये देखो ओहो, देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखो इधर से जाके गोल 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 इधर जाएंगे, चले चलो।
हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसमें देखो छोटे छोटे बाबू भी नहा रहे पूरे। और क्या करें हम इंसानी लोग, थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। कहाँ है वो, गिर गई? हाँ बहुत रपटना है, बहुत संभाल के चलना। चलो हम चले, अब आप बना दे थोड़ी बहुत। पकड़ लें बसा, नहीं पकड़े हैं। चलो संभाल के, पहले खाना खाएं फिर बातें करेंगे। हाँ देखिए ये यहाँ पे खाने का अच्छा है, बहुत सी जगह बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था, बट जहाँ लोग वहाँ पे मतलब रिफाइंड का नहीं ऑयल का खाना बनवा दिया है, मतलब बनता है ऑयल वाला भी और वैसा भी जैसा भी आता है, तो देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए अभी खाना आ जाए। ये देखो खाने में है आलू की सब्जी, मिक्स सब्जी, दाल और रोटी, वही हस्बैंड की सेम सादा खाना जो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग है, बाकी बाहर का हम ज़्यादा खा नहीं सकते, तो सादा सिंपल अच्छा खाना है। जहाँ हम लोग रुके हैं वहीं पे है अच्छा खाना एकदम, सब ऑयल का बना हुआ है, रिफाइंड का कुछ नहीं है। रोटी बिना चिपटी हुई ली है हमने, हस्बैंड जी की चिपटी हुई है, बाकी पानी ग्लास। चलिए आइए आप लोग भी खाइए आके फटाफट। आज हम लोग खा रहे हैं खाटू श्याम महाराज के दरबार में खाना है। बहुत मौसम बहुत अच्छा हो गया ये बहुत अच्छी बात है, हम तो कुछ रिफाइंड का खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। आप लोग भी लीजिए खाइए। अच्छा खाना सादा रोटी है, तभी थी जैसे घर में बनाते हैं तवे वाली। रात के 3 बजे से पूरा दिन और रात के ही 8 बजे खाना खाया, जब से घर से निकले हैं रोटी नहीं खाई। कृष्ण भगवान ने, खाटू श्याम भगवान ने कहा था कि बिना खाए हुए आना, रोटी फल और सारी चीज़ें खाती हैं लेकिन रोटी नहीं खाई उसने। सब खा रहे हैं दर्शन करने के बाद। इस थाली में हलवा भी था और चावल अच्छे वाले चावल हैं, ऐसे नहीं सस्ते वाले, और अनलिमिटेड है। आप चार रोटी खाएं, 5 रोटी 1 लोगों की 100 रुपीज में, हाँ 100 रुपए, और अगर वेस्ट किया तो डंडे मार के खिलाया जाएगा। हाँ पूरा आपको अपनी पूरी थाली का खाली करनी है, सब्जी 2 बार 3 बार चावल जितना भी लेना आप ले सकते हो, क्योंकि मेरा पेट तो भर गया। हमने भी आज थोड़े चावल ले लिए बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत अच्छे चावल हैं। और अभी हम खा रहे हैं हलवा, बहुत अच्छा है, सूजी का हलवा है, बैग से दिखाया आपको। चावल देखो कितने अच्छे वाले हैं, प्लस हलवा ये रहा, इसको फिनिश करें। हस्बैंड तो खाने में लगे पड़े हैं खा रहे हैं। गाइस हम क्या करें, बार बार दिखाते हैं, इतना अच्छा है हलवा हस्बैंड ने खाया, बताओ जरा कैसा हलवा। हलवा जो है वो सूजी का मतलब रवा का हलवा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन शर्त एक है कि एक ही बार मिलेगा, अगर दोबारा मांगा तो डांट पड़ेगी। सिर्फ हलवा हलवा एक ही बार है, बाकी हर चीज़ आपको कितने बार भी दें उतने बार मिलेगी। करने वाले लोग हैं दुनिया में, तभी दुनिया चल रही है। बात उठने वाले भी बैठे हैं बहुत सारे, होटल वाले 200 रुपए में हमने पेट भर के खाना खाया, बाहर शायद नहीं खा पाते।
किसी को निगेटिव नहीं कह रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ अपनी सक्सेस के लिए वही सही है, किसी को अच्छा हो बुरा नहीं कह रहे हैं। हाँ यहाँ अच्छा हमें अच्छा लगा तो अच्छा है। तो गाइस इसी फर्स्ट वो ग्राउंड फ्लोर पर था खाना, और हम लोगों का सेकंड फ्लोर पर रूम, फर्स्ट फ्लोर पर रूम है। अभी हम बस आ गए, जस्ट बहुत सारे लोग वापस आए हम लोगों के साथ भी, बस रूम में पहुँचे फटाफट, इतना पेट भर गया ढकने जा रहे, बाकी नींबू पानी भी पी लिया हमने, बाद में सब पच जाएगा। टहल के तो इतना आए अभी, हमारा रूम आ गया, पहुँचे अंदर, और रे तैयार रे दिखाएगा इस, हम लोग सही टाइम पे आ गए। बारिश घनघोर, देखो पानी आ रहा, देखो बहुत घनघोर बारिश हो रही, देखो कस के तूफान, मतलब देखो हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत तेज बारिश हो रही गाइस, बहुत तेज। तो गाइस अभी सुबह मॉर्निंग हो गई है, सो के उठे हैं और हस्बैंड जी, तो अभी ब्रश वस कर लें बस थोड़ा सा, उसके बाद सुबह होगी। बहुत अच्छा बाहर मौसम है, इसमें नहीं आ पाएगा। तो अभी हम एक एक कप पहले चाय पीते हैं, फिर नाश्ते में कुछ खाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए बहुत थोड़ी थोड़ी की ले रहे हैं, नाश्ते में क्या खाएंगे वो दिखाएंगे। तो अभी हम फ़ोन चार्जिंग पर लगा दें और चाय पीने चले हैं। चाय पीने जा रहे हैं सुबह वाली, बस सो के आज बहुत 7:30 बजे सो के उठे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस चाय पी के फिर आ रहे हैं और नाश्ते पे मिलते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग नहा धो के आए नाश्ता करने के लिए, नीचे आ गए थे हम लोग, हस्बैंड जी आ गए, देखते हैं नाश्ते में क्या खाते हैं। चलो अंदर ही हैं, बोल दो आप। और बाकी अभी बस जस्ट नाश्ता करके हम लोग 11 बजे निकल जाएंगे, 11 बजे तक मतलब स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन हम लोगों की 1 बजे है तो पहले से पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज सुबह का नाश्ता सब्जी है, पराठा है आलू का, आलू का पराठा है, दही है, अचार, चीनी है। चलो अभी हम लोग निकल आए हैं और कल से ज़्यादा भीड़ है बहुत ज़्यादा, और बस पीछे देख रहे हो आप कितने सारे लोग आ गए हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो थोड़ा सा भी लाइक शेयर कमेंट, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो गाटू श्याम महाराज की जय, बाय। Thank you.